एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैभं गुरप्रसाद जुगो जुग अटल सर्वरे कायनात वाली कुल कायनात आलम रोशन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी के अंदर विराजमान गुरु प्यारे सतसंगी जनों मुटभागी हाँ जो सतगुरु जी की हजूरी विच बैठ के अमृत वेले तो इलाही बाणी का पाठ कीर्तन शब्द विचार श्रवण कर रहे हाँ। आओ अज जो दास नूं विशा निभाउण दा हुक्म होया है उसका सिरलेख है गुरबाणी के चानण विच पर उपकार विचारां दी रवता तो पहला एक बारी गुरु बख्शी असीस चढ़दी कला का प्रतीक गुरफतेह नाल सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पर उपकार गुरबाणी की नींह जो है जो सिख धर्म की नींह है गुरबाणी दे विच परपकार तो ही रखी गई है। जो परपकार के अखरी अर्थ वेखदे हां ते भाई साहिब भाई कान सिंह नाभा जी इस दे अर्थ करते हैं दूजियां दे उत्ते निस्वार्थ पर दा भाव प्राया दूजा ते उपकार दा भाव भला। गुरबाणी ने जदों गल कीती कि समुची मानवता दा मनोरथ की है ते गुरु अर्जन पातशाह जी दा शब्द है भई प्राप्त मनुख देहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया कि तू उस अकाल पुरख दे विच अभेद होना है ते जिहदे विच अभेद होना फिर उहदे वर्गा बनना पएगा। सतगुरु कहिंदे गुण कह गुणी समावणिया भाव उहदे गुणा नूं अपने अंदर धारण करना पएगा। उहदे गुण की ने सतगुरु ने अकाल पुरख वाहिगुरु नूं सब तो वड्डा परोपकारी बयान किया है। सतगुरु कहिंदे परोपकारी सर्ब सधारी सफल दर्शन सहजया कहो नानक निर्गुण को दाता चरण कमल उर धरिया। कहिंदे अकाल पुरख वाहिगुरु सब तो वड्डा परोपकारी है और सर्ब सधारी जिदा सारिआं नूं आसरा है जो सब नूं सहारा दिंदा है। कहो नानक निर्गुण को दाता जो निर्गुणे हन जिन्हां दे विच कुछ नहीं उन्हां नूं भी दाता देंदा है। जिवें कि असीं पढ़दे हाँ दोखण देखत है पर देत न हारा पर वह फिर भी देंदिआं होइआं किसी प्रकार की जिहड़ी है किसी नूं तोट नहीं छड्दा। सो सतगुरु कहिंदे परोपकारी दाता जे प्रसाद छत्ती अमृत खाएं तिस ठाकुर को रखन मन माहें जे प्रसाद सुगंधत तन लावें तिसको सिमरत क्यों आलस। सतगुरु जी ने उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी दातां दा बयान किया है। छेवीं अष्टपदी आप जी पढ़े हो सुखमनी साहब जी की छेवीं अष्टपदी विच सारी पदियां दे विच अठां पदियां दे विच उस परमात्मा दीआं दातां दा जिक्र किया गया है। जिन दिए तुद बाप महतारी जिन दिए भ्रांत पुत हारी जिन दिए तुद बनता अरमीता तिस ठाकुर को रख लिहो चीता। इन्ने परोपकार जिन कन कीते अखी नाक जिन जेवा दित्ती बोलै तात जिन मन रखिया अग्नि पाए। उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं परोपकार के रूप में सिमरिया कि जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरु आप एडा परोपकारी है जियो पिंड मुख नक दिया बर्तन को पानी अन्न खाना कपड़ पहनण दिया रस अन्न भोगाणी जिन्हें इनिया दातां तैनूं दित्तियां ने बिना किसी अवजाने दे बिना किसी कुछ लए एडा परोपकारी है। उस परोपकारी दे विच असी अभेद होना है। सो संखेप दे विच अकाल पुरख वाहिगुरु नूं गुरबाणी ने बेअंत प्रमाण दे के यह साबित किया कि वह अकाल पुरख वाहिगुरु सब तो वड्डा परोपकारी है। उस तो बाद गल आउंदी है सतगुरु की। सतगुरु किड्डा परोपकारी है। सतगुरु दे ते साडे ते इन्ने परोपकार ने गुरु साहब जी कह उठते हैं हमरा मस्तक दाग दगाना हम करज गुरु बहु सांडे परोपकार पुन बहु किया पहु दुत्र तार परांडे। कहते सतगुरु का तो साडे मत्थे ते करजी बहुत कट्ठा हो गया है जिन्हें साडे ते बड़ा परोपकार किया है जिन्हें सानू वहिमा भरमां चों कढ के एक जिंदगी जिउण दा ढंग दिता जिन्हें सानू संसार ते आया नू मनुखा जाति का एहसास कराया जिन्हें सानू यह गल कही कि सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म
हर को नाम जप निर्मल करम, जिन्हें सानू जीवन की शैली दिती, जिन्हें कहा कि इस धरती में तेरी सिकदारी, अवर जोड़ तेरी पनिहारी, कि सारी कायनात जड़ी है वह तेरी सेवादार है। एक किन्ने एहसास कराया सतगुर ने, धन धन सो सतगुर जिन भरम गढ़ तोड़िया, कहिंदे ओ सतगुरु धन है जिन्हें साडे भरमां दा गढ़ तोड़ दिता। तो ध्यान मारीे झात मारीे थोड़ा सतगुरु के प्रैक्टिकल जीवन वल, तो गुरु साहब जी बंधन काट विसारे औगण, सतगुरु साडे बंधन कट के औगणा नूं विसार देंदा है, तो की करदा है उस अपने बिरद की लाज रखता है। और उस तो बाद कहिंदे होए कृपाल मात पित न्याई, बारक ज्यों प्रतिपालिया, मां प्यो दे वांग साडी बच्चियां दे वांग प्रतिपालना करता है, यह सतगुरु का परोपकारी सुभा है। गुरु नानक साहब जी वाल ध्यान मारीे, भाई गुरदास जी ने हवाला दिता, कहिंदे बाबा देखे ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दिस आई, बाजों गुरु गुबार है करदी सुनी लुकाई, बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई, चढ़िया सोदना तरत लुकाई। यह गुरु नानक साहब जी ने अपने सुख सहूलत ऐशो आराम सब त्याग के इस करतार दे बच्चियां नू उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल जोड़न वास्ते चल पए। चार प्रचारक दौरे किए, धर्म प्रचार के दौरे किए, जिदे विच उन्होंने सदियां तो मानवता के अंदर जात पात का जो कोड़ पिया सी, भाई गुरु मरदाना जी उस वेले दे अखौती छोटी जात नाल नीच जात नाल संबंध रखने वालियां नू 52 साल लगभग अपने नाल रख के उन्हां जात विभानियां दे उत्ते मूँह दे उत्ते करारी सट मारी। इसे तरह जो सदियां तो इस मर्द प्रधान देश के अंदर औरत नू लताड़िया जांदा सी, नीवी कहा जांदा सी, गुरु नानक पातशाह जी ने आके गल कही सी कि सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मै राजान, उस औरत नू क्यों माड़ी आखदे हो जिस औरत ने वड्डे वड्डे महापुरशां नू राजियां महाराजियां नू जन्म दिता है। यह गुरु नानक साहब जी का प्रपकार सी। गुरु अंगद पातशाह जी ने जिथे गुरु नानक साहब जी ने सच्चा सौदा करके लंगर की नींह रखी, उत्थे लंगर दौलत वंडी है, रस अमृत खीर के हाली, उत्थे माता खीवी नू लंगर की ड्यूटी दे के उस लंगर के पद्धर नू होर उच्चा किया। गुरु अमरदास पातशाह जी वाल झात मारीे, गुरु अमरदास पातशाह जी ने वह सती प्रथा जिदे विच पति दे मरण तो बाद पत्नी नू सड़ना ही पैंदा सी, वह सती प्रथा जो पहला कोई भी खत्म ना कर सकिया, अकबर जो प्रभावित होकर गुरु के दरबार में आंदा है तो कहिंदा है कि सच्चे पातशाह मैं की सेवा कर सकदा, मैं इत्थे लंगर का प्रबंध सारा अपने हाथ लै लैना, संगतां बहुत आउंदियां ने। साहिब कहिंदे नहीं, यह धर्म की किरतियां किरत करन वालियां दा लंगर है, यह किसी एक दे सहारे नहीं चल सकता, इस करके जे तुसीं करना ही चाहते हो तो तू बादशाह है। सती प्रथा उस वेले परदे की प्रथा गुरु अमरदास पातशाह जी ने खत्म की, भावें कि हालां असी इत्थे राजा मोहन राय के जिहड़े ने बड़े सोहले गाउंदे आ, पर गुरु अमरदास पातशाह जी ने सब तो वड्डा परोपकार जो औरतां ते सती प्रथा परदे की प्रथा इन्हां नूं जो दूर किया गुरु अमरदास पातशाह जी का सब तो पहला सिरा जाता है। गुरु रामदास पातशाह वाल आईए, उन्होंने मानवता की भलाई के वास्ते आप जी पढ़ते हो अमृतसर का जो नगर वसाया, तो 52 कित्तियां दे लोगों नू उत्थे रुजगार दिता, शहर वसाया और तरह तरह के रुजगार मुहैया करवाए। गुरु अर्जन पातशाह जी का तो इतिहास असी पढ़ते हाँ कि 1595 दे विच जो लाहौर दे विच काल पै गया, तो गुरु साहब जी ने आप उस वेले मुरदियां नू पिठ दे उत्ते चुक के उस मानवता की भलाई का जिहड़ा उन्होंने आप सानू पाठ पढ़ाया सी कि ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संघ हमको मने आई, उस मानवता दे पाठ नू गुरु साहब जी ने आप प्रैक्टिकल रूप उस लाहौर की धरती दे 10 साल अपने हत्थी सेवा करके दिता। इस तरह गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने जदों जरवाणा अत कर देंदा है, जुल्म करन वाले की अत हो जाती है, तो फिर हथियार चुकना जायज़ हो जाता है। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने उस प्रैक्टिकल रूप उन्होंने बचना देंद्या होया हुक्म कर दिते, जब हमारे दर्शन को आवो होए सचेतन शिस्त्र सजावो, कमर कसा कर लिखो दिकाई हमारी खुशी होए दिकाई। वो गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने उस तलवार दे मीरी पीरी दे कंसैप्ट नूं साडे अंदर धारण करके साडे ते बड़ा वड्डा परोपकार किया। गल करिए अगे गुरु हर राय पातशाह जी, गुरु हरकृष्ण सिंह साहब जी ते गुरु तेग बहादुर साहब जी, जिन्हां ने अपने धर्म लई अपने मजहब लई दुनिया मरदी है कुर्बानियां देंदी है, ऐसा कदी नहीं सी होया कि जदों किसी दूजे दे मत दे वास्ते कुर्बानी भी देनी ते कुर्बानी भी कातल दे कोल आप जाके देनी,
जिन्हों दौलत राय आरिया कहता उल्टी गंगा बहा दी। गुरु तेग बहादुर साहब वास्ते शब्द वरतदा है। तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की गल करिए, कवि दिया दो सत्रां, क्या दशमेश पिता तेरी बात कहूं जो तूने परोपकार किए, एक तेग के बेटे तेग पकड़ दुखियों के काट जंजाल दिए, एक खालस खालसा पंथ सजा के जातों के भेद निकाल दिए। कहिंदे तेरियां की गल्लां करिए सच्चे पातशाह, तू ते साडे ते इन्ने परोपकार किए हैं, इस वतनों खिदमत, इस मुल्कों वतनों की खिदमत में कहीं बाप दिया कहीं लाल दिए, इस तो वड्डी कुरबानी ते इस तो वड्डा परोपकार, परोपकार की हद हो जाती है। इस तो बाद ऐसे अकाल पुरख वाहेगुरु, ऐसे गुरु दे जदों फिर अगे सिख आउंदे ने, हुण गल आउंदी आ सिखां दे अंदर परोपकार की भावना भरन दी। सतगुरु कहिंदे साजन बंद सुमित्र सो हर नाम हिरदै दे, औगण सब मिटाए कै पर उपकार करे। कहिंदे परोपकार करना ते मन दे अंदर किसी प्रति वैर भावना विरोध लैके नहीं। जिथे सतगुरु जी ने जिहड़े परोपकार नहीं करते उन्हां नूं इह कह दित्ता तुहाडा आया ही इत्थे व्यर्थ है, मिथ्या तन नहीं परोपकारा, तुहाडा शरीर ही मिथ्या है क्योंकि तुसीं परोपकार ही नहीं जिन्हें किया, उहदा संसार ते सोकत जाणा पीर पराई जाके अंदर दर्द ना पाई। जिहड़ा दूजे की तकलीफ नूं महसूस नहीं कर सकता वह इंसान इत्थे जी के भी की कर सकता है। दूजे के दुख नूं दर्द नूं समझाउण दा अहसास सिख दे अंदर पैदा किया। तो यह गल कह दित्ती कि जिहदा तू पुजारी है, जिदी तू उपासना करनी है, वह आप परोपकारी है। इसे करके गुरु अर्जन साहब ने सुखनी साहब कहता प्रभ को सिमरै से परोपकारी। असल में जिहड़े उस अकाल पुरख वाहिगुरु की उपासना करते हैं वह परोपकारी हो जाते हैं, वह परोपकार की भावना लैके जिउंदे ने। इत्थों तक ब्रह्म ज्ञानी उपकार उमाहा उहदे अंदर हमेशा किसी का दूजे का भला करन दा अंदर उमाह पैदा हो जाता है, क्योंकि गुरु साहब ने सबक पढ़ा दिता। कहिंदे परका बुरा ना रखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। फरीद जी ने तो कमाल कर दी। कहिंदे फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगे पन्ना सब कुछ पाए। जे तू वाकई कुछ प्राप्त करना चाहना है तो सब तो पहला दूजे का भला करने की अपने अंदर विच आस पना, वो एहसास की भावना अपने अंदर पैदा कर। ऐसे सतगुरु जी ने सिख पैदा किए। साहब कहते हैं जन्म मरण दूहों में नाही, जन परोपकारी आए, जी दान दे भगती लायन हर स्यों लैन मलाए। ऐसे ऐसे सिख पैदा किए, ये सबक पढ़ा दिता कि परोपकार नित चित वधे नाही कछ पोच। कहते परोपकार करद्या होया मन के अंदर कदे पाप नहीं आता, मन नू बंद पाप नू बंद मारना है। तो सब तो वड्डा यह है कि किसी के दूजे का भला करने की भावना अपने अंदर पैदा कर दो। और इतों तक जिते परोपकार ना करने वाले यह व्यर्थ दसिया संसार से आना, उत्थे यह गल कहती हर गुण बोलना है परोपकार नित जिस रसना का कुछ मोल नाही। कहिंदे जिहड़े संसार से आ के उस हरी के गुण गाते ने, मूँह तो परोपकारी बोल बोलते ने, तो परोपकार की भावना रखते ने, कहिंदे ओ इंसानां दा उन्हां दी जीव दा ते कोई मुल ही कोई नहीं, वह अनमोल हो जाते हैं, उन्हां दा जीवन अनमोल हो जाता है। ऐसे सिख पैदा किए, सिख ही नहीं पैदा किए, महाराजे पैदा किए। महाराजा रणजीत सिंह दा 40 साल दा राज साडे सामने है, ऐसा परोपकारी राजा कदे पैदा नहीं होया, जिहदे राज दे अंदर किसे जात पात भेद वर्ण वंड का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इस्लाम धर्म का संबंध रखने वाले वड्डे वड्डे धर्मी मौलवी जड़े ने उत्थे पैरोकार ने, मुलाजम ने, हिंदू मत सनातन मत धर्म रखने वाले उत्थे मुलाजम ने, इन्ना परोपकारी महाराजा। इतिहास पढ़िया एक घटना सामने आई कि पंजाब की धरती से एक बार काल पै गया, काल पिया तो महाराजा ने ऐलान कर दिता कि एक दिन खजाने खोले जाएंगे, जिन्ना कोई वो चुक सकता है अपनी कपैसिटी के मुताबिक अपनी समर्था के मुताबिक जिन्ना कोई उठा सके वह ले जा सकता है सरकारी खजाने के अंदरों। उस शहर के एक बुजुर्ग ब्राह्मणी वर्ण वंड के मुताबिक नाई जात नाल संबंध रखने वाला चढ़ती उम्रे पुत्र चढ़ाई कर गया कमाउण वाला, पोतरे ने बच्चे ने अगे उन्होंने जो आसरा है केवल दादा है। तो जो उन्होंने पता लगा उन्हें अपने घरों वड्डा सारा कपड़ा लिया, पहुँच गया दरबार के, दरबारियों ने कह दिता कह लगे जिन्ना कोई चुक सके इस गल का ख्याल रखियो। तो जो उस बजुर्ग ने थोड़ा जा लालच वस हो के कि चार दिन सौखे निकल जाएंगे, चार दाने वध पा लेना, किहड़ा कोई कमाण वाला बैठा है, क्योंकि वेखो गुरमत ने जात पात तो
ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਤ ਜਾਣੋ, ਜ਼ਾਤ ਜਾਣੋ, ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁੱਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਬੁੱਤਕਾਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਬੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਵੱਧ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਏ ਪੰਡ ਭਰੀ ਅਤੇ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਕੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਪੋਤਰਾ ਛੋਟਾ ਏ, ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਏ, ਬੁੱਢੇ ਹੱਡਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੱਕੀ ਨਾ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਸਰੀਰ, ਤਕੜੇ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੰਬਲੀ ਦੀ ਬੁੱਕਣ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ, ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਵੱਧ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਡ ਸੱਟੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰ ਲੱਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜਵਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਬੁੱਕਲ ਲਾਈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹ, ਰਾਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਐਸੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੁੱਟਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਖੋਹਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅੰਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸੀਸਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਐਸੀ ਅਹਿਸਾਸ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਹ ਆਣਾ, ਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਤਾਣਾ, ਅਣਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਤਹੀਨ ਹੋਵੇ, ਬਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਭਾਈ ਨੰਦਾ, ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੋਹਫੇ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ, ਆਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕੌਡੀ ਪਾਈ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਜਿਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਗਲੀਚੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਰੱਖੇ। ਭਾਈ ਨੰਦਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੌਡੀ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਰੁਕੋ ਅਜੇ, ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰੁਕੋ, ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ ਦਸਵੰਧ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਕਰੀਏ ਸਮਾਪਤੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਨੰਦਾ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਉੱਠੇ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਨੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਕੌਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤਿਲ ਤਿਲ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਕੌਡੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਸਦਾ ਉਰਧਾਰੇ, ਕਿਸ ਹੂੰ ਕੀ ਨਾ ਨਿੰਦ ਉਚਾਰੇ। ਕਹਿਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣੇ ਕਰਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਨੇ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਮਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਕਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਧਰਮ ਸੰਜਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਓ। ਐਸਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਐਸਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ।
उन्होंने जो रचना अपन रचनावान जिथे उन्होंने बहुत बड़ा इनसाइक्लोपीडिया लिखिया खोज करके उत्थे उन्होंने एक कवित उचारिया केंद्र खालस का जीवन कैसा है केंद्र मानता है को अनादि आनंद नित्य है तो असं ये तो जानता है सर्व पसारो है कृत की उपासना न करा करतार त्याग ये गुरु ग्रंथ को कियो अपना आधारो है जात पात भेद प्रम मन से मिटाए कर सबसे सहोदर सो करत प्यारो है जग को हितकारी जल में पंकज ज्यों गुरुदेव नानका खालसो न्यारो है केंद्र ऐसा खालसा पैदा किया कि वह ज संसार हितू है सब का हितू है सबन प्यार करने वाला है सब के नाल मुहब्बत करने वाला है पर इस तरह है जिमें पानी के पंकज होंद जिमें कमल का फुल हों इस तरह निर्लेप रहा हिरदे के जात पात भेद भ्रम मन तो मिटा के सारिया के नाल इको जहा विहार करता है सब के नाल इको जहा अपने अंदर सोच रखता है किसी नाल वितकरा नहीं करता ऐसा गुरदेव ने खालसा बनाया ऐसा सिख सिख तैयार किया है वो सिख जिहड़ा सारी जिंदगी अपनी कमाई करता है पर कदे भी दसवंध देना नहीं भुलदा अपनी कमाई का दसवां हिस्सा देना नहीं भुलदा ऐसे वो अंदर सिख दे अहसास पैदा किया है क्योंकि वंडन की जिहड़ी भावना है ना जिहड़ी वंडन की भावना है त्याग की भावना है किसी का भला करन की वो जरूरी नहीं कि बड़े रईस ज्यादा होन बड़ियां वड्डियां सहूलत होन सुख सुविधावान होन तां ही हो सकता है ये वंडन की जिहड़ी भावना है ये लोगों के विच साडा भरातरी भाव वधाउंदी है कहिंदे कि किसे एक थां ते राजा अपने दरबारियां नूं उहने ड्यूटी लाई होई है भिखारियां नूं कुछ देण वास्ते उत्थे जरूरतमंदां नूं लोड़वंदां नूं देण वास्ते कुछ ना कुछ दिता जा रहा उत्थे लाइन बड़ी लंबी लगी है कहिंदे एक इनसान उहदे विच खड़ा है ते पिछलिआं ने आ के उहनूं कहा भी भाई साहब जी साडे घर बड़ी मजबूरी हो गई है बड़ी जरूरत पै गई है बड़ा भीड़ पै गई है तो कृपा करो मैनू अपनी वारी दे दिओ तुसीं पिछे हो जाओ मैनू थोड़ा जल्दी है वह पिछे हो गया गुरमुख प्यारा इन्हें चलू फिर जो कोई दूसरा सज्जन आके फिर उन्होंने कहता भी मैनू बड़ी मजबूरी है मेरा घर का जी बीमार है तो मैनू थोड़ी जल्दी है तुसीं पिछे हो जाओ वह पिछे हो गया कहण तो भाव वह अखीर ते पहुँच गया तो जदों लोग उत्थे लै के जाण ना राजे दे दरबार तो झोलियां भर भर के तो राजे दे नाल नाल उसकी भी बड़ी उस्तत करन बड़ी सिफत करन भी बहुत धन्यवाद बड़ा तुसीं साडे ते एहसान कीता है तो राजे ने वेख्या है कि मैं एक राजा तो इन्हां नूं एडे एडे महंगे तोहफे दे रहा खजाना दे रहा भंडारे दे रहा तो ये मेरा तो धन्यवाद करते हैं इतने होर दूजे का किदा धन्यवाद करते हैं जो जाके वेख्या है उस इंसान वाला जो सब तो लैंड तो पिछे खड़ा है तो लोग वो अगे भी सिर चुका चुका के जाते हैं कहते वाह पता लग गया है कि किसी हथी देने का ही ना प्रकार नहीं मन के अंदर भावना भी है तो भी इतने उस इंसान को रब का रूप मनिया जाता है ती लोग धन्यवाद करते हैं सिख का जीवन ऐसा जीवन ऐसा रहा है क्योंकि परोपकार की भावना ऐसी अंदर भर दी है कि कदे हुण वो जाती नहीं एच एल बराड़ शाह बड़े बड़े लिखारियों के तुम पढ़ते हो कि जेडे कहते हैं भी सिख धर्म की सिफत करते हैं कहता सिख धर्म एक ऐसा आलमगीर धर्म है जो पुराने मतों की थां मनदा होया पूरे विश्व में सुख और शांति का राह दर्शाने में कामयाब हो सकता है उन्होंने साड़ियां सिफतां क्यों कीतियां कारण ये सी कि जदों सिख नूं किते किसी का भला करन दी वारी आउंदी सी ना किसी नूं मौका मिलदा सी तो पिछे नहीं सी हटदा उन्हूं पता सी सिर राखे सिर जात है सिर काटे उजारो होए भाव दीवे की बत्ती नूं सिर कटाना पएगा जे उन्हें चानण करना ते जो कहे भी मैं सिर भी ना मेरा कट्टिया जाए तो मैं चानण भी दे जावां वह बुझ जाएगी हनेरा कर देगी सिख नूं भी पता है परोपकार करन वास्ते परोपकारी बनन वास्ते पहला अपना सीस तली ते धरना पैंदा है ते सीस तली ते धरन वाले ही परोपकार करदे ने होर कोई नहीं करदा मेरे सतगुरु ने तो उन्होंने भी मुबारक कह दिता जिहड़े केवल शब्द ही वरतदे ने केवल मूँह तो बोल ही बोलदे ने कि परोपकार भला कहिंदे ओ पुरख प्राणी धन जन है उपदेश करें परोपकारिया जो कभी किसी नूं मंदी सलाह नहीं देंदे कभी किसी नूं कुराए नहीं पाते अफवाहां नहीं उड़ाते जिहड़े सच बोलदे ने किसी की भले की गल करदे ने सतगुरु कहिंदे ओ पुरख प्राणी धन जन है वह पुरख भी धन ने वह जन भी धन ने इस करके सतगुरु जी कह लगा संतन संत साध मिल रही है गुण बोला परोपकारिया कहिंदे ऐसे गुरमुखां दी संगत करिया जे जिहड़े हमेशा परोपकारी बोल बोलदे होण जिहड़े हमेशा परोपकारी बोल बोलदे होण उहनां दी संगत ना करिओ जिहड़े नाना झूठ लायो मन तोखिओ ना बुझिओ अपनायो परोपकार ना कबहूं कीए नहीं सतगुरु सेव त्यायो
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਨਾ ਝੂਠ ਲਾਇਓ ਮਨ ਤੋਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਨਾ ਝੂਠ ਲਾਇਓ ਮਨ ਤੋਖਿਓ, ਨਾ ਪੂਜਿਓ ਅਪਣਾਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲੋਂ ਕੁੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਪਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨਾ ਕਬਹੂ ਕੀਓ, ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਧਿਆਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਪਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਬੋਲ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਪਰਪਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਹ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਣਾ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਫਲ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏ, ਫਸਲ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਪਰਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਣਪਦੀ ਏ, ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਮੀ ਭੁਗਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਜਗੀਰਦਾਰੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੀ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਫਵਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਸੰਖ ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾ ਹੈ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭੱਕ ਖਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਰਕਾਰ ਯੋਗ, ਫਟਕਾਰ ਯੋਗ, ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਿਓ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਉਪਕਾਰਿਆ ਜੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਐਸੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ, ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹੀ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਮਨ ਉਚਰੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਰ ਸਮਾਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਸੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਪਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, 239 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਧਰੀ ਨਹੀਂ, ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੈਸੇ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਭੰਡਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ, ਭੰਡਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਉੱਥੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਪੰਗਤਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰੀ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਏ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਲਾ, ਉਹਦਾ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਉਸਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਕਰ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ
काले धन नूं जदों चिट्टा धन करन वास्ते कुछ उपराले किए जाते हैं, ऐसे लोगों तो थोड़ा जिहा सुचेत होना पएगा। सानूं भी बाबा नानक जी सबक पाठ पढ़ा गए ने। सो गुरु प्यारिओ फरीद जी का एक श्लोक कि आप सवारै मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहें सब जग तेरा होए। जे तुसी वाकई चाहते हो कि अज साडा सारा संसार साडा अपना बन जाए तो बिना किसी हील खुजत के अपने आप को सवारना शुरू कर दीए तो सारा संसार साडा हो जाएगा। सो सतगुरु बख्शिश करन, ये परोपकार का विशा अज केवल पढ़न पढ़ाउण सुनन तक सीमित न रह जाए, साडी जिंदगी विच उतर जाए। विचारां करदियां होईआं बिनत भुल्लां दी खिमा बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।